हमारा हृदय ऐसा बना कि हम तेरे वचन को स्वीकार कर सके प्रभु आल्सो अनऑइंट दिस वर्ड्स दैट इट मे मिनिस्टर टू एवरीवन और इन शब्दों को तू अभिषेक कर प्रभु ताकि ये हर एक की सेवकाई करे यहाँ पर बिकॉज़ होली स्पिरिट और गॉड ओनली यू नो एवरीबॉडीज हार्ट क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अकेले जानते हो हर एक के हृदय को व्हाट देयर डिजाइर्स आर एंड व्हाट देयर वांट्स आर उनकी इच्छा क्या है और उनकी जरूरत क्या है

उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलता एंड यू कैन सी जॉब अयुब का अट्ठाईस तेईस वचन भी हम देखेंगे परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है यस गॉड ओनली अंडरस्टैंड्स द वे टू इट ही अलोन नोज वेयर इट ट्वेल्व

अगर हम इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर जानते हैं कि मनुष्य इतने हद तक गया है इतनी uh, इस पृथ्वी की खुदाई की है ताकि ही वो हीरा ढूंढे सोना ढूंढे। नो दिस यहाँ तक कि अंधकार भी उस बुद्धि को नहीं जानता इवन डेथ नॉट नो दिस और uh, वो गहराई तक इस बात को नहीं जानता दिस ये क्या है दिस इज दिस्डम ऑफ गॉड ये परमेश्वर की बुद्धि है

ये हमारे अंदर परमेश्वर के आनंद को लेकर आएगी इट विल ब्रिंग सोल्यूशन टू आर प्रॉब्लम ये हमारी समस्या के लिए एक हल निकालेगी सो इन होजिया 4:6, सिक्स द फर्स्ट पार्ट इट से होशे का चार और छठा चौथा अध्याय छठा वचन ऐसा कहता है My people are destroyed from the lack of knowledge. मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है. This is a very serious matter. ये बहुत ही गंभीर बात है इफ यू डोंट गेट दिस विजडम अगर ये समझ हमें नहीं मिलती है ये बुद्धि अगर हमें नहीं मिलती है we will be destroyed. हमारा नाश हो सकता है। बट दिस डिस्ट्रक्शन मीन दैट वी आर पर ये नाश वो नहीं है कि हम नष्ट हो जाएंगे बट दिस डिस्ट्रक्शन मींस दैट योर योर लाइफ इज गोइंग टू बी वन ऑफ एंग्जायटी

I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Amen. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो परमेश्वर का सामर्थ्य है. What is this salvation? ये उद्धार क्या है? It doesn't mean just to be born again and then you are ready to uh, when you die to go to heaven. ये उद्धार वो नहीं है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ और मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे बट सेलेशन मीन इट इज सिचुएशन पर उद्धार का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में हमारे लाइफ में वो जीवन लेकर आएगा वेन वी आर ब्रिंग जॉय

इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का जो उद्धार है वो सामर्थ है हमारे जीवन में वॉस्पिली वर्ड ऑफ गॉड ये सुसमाचार क्या है ये सुसमाचार सिर्फ परमेश्वर का वचन है सो इफ वी सर्च द वर्ड अगर हम वचन को ढूंढते हैं

prophylactic means it is able to prevent us from getting into any problem prophylactic का मतलब है कि हम परेशानी में गिरने से पहले ही वो हमें बचाता है and also if we have fallen into some problem it is able to rescue us from there और अगर हम किसी समस्या में गिर भी गए हैं तो वो हमें उसमें से बचा सकता है so the word is able to do two things it is able to save us and also to

wear yourself out by being anxious of what other people are doing to become successful हम यहाँ पे ये वचन ये कह रहा है कि हमें चिंता नहीं करना है कि दूसरे लोग कुछ करके कैसे वो सफल हो रहे हैं देर आर मेनी टाइम्स वी सी पीपल बिकमिंग रिच बाई डीवियस एंड करप्ट मीन्स हम बहुत बार देखते हैं कि जो अन्य लोग हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके या कुछ गलत चीज़ का इस्तेमाल करके वो अमीर बनते रहते हैं सो इन आ हार्ट वी हैव सम फीलिंग इसलिए हमारे हृदय में एक फीलिंग होता है बट द लॉर्ड सेज डू नॉट लुक एट पर परमेश्वर कहते हैं उन चीजों को मत देख बिकॉज इन समेसड इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड डॉट स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर्स डॉट सिट इन दीट ऑफ मॉकर्स क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता न पापियों के मार्ग में खड़ा होता ना करने वाले की मंडियों में बैठता है इफ वी ट्रावल अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम उसमें गुल मिल जाएंगे उन गलत बातों में सो so so हमें क्या करना चाहिए आइए देखते हैं तीसरा वचन ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड ट्वेल्व in the land and enjoy safe pasture। यह पे भरोसा रख और भला कर देश में बसा रह और सच्चाई में मन trust means to rely on and have confidence। यहाँ पे जो भरोसा है इसका मतलब है पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहना as the word of the lord ही इब्रानियों के जो बाइबल है पवित्र शास्त्र है उसमें

वो हरी भरी चीजों को हम अनुभव कर सकेंगे यहाँ पर जो पैश्चर वर्ड है अंग्रेजी वर्ड उसका मतलब है परमेश्वर की विश्वसनीयतालियस वॉज वन सच मैन कॉर्नेलियस ऐसा एक व्यक्ति था वॉज अन वो एक सेंचुरियन था मीनिंग दैट ही पार्ट ऑफ़ द आर्मी यानी कि वो एक सेना का व्यक्ति था एंड ही पीपल अंडर हिम और उसके नीचे सौ लोग काम करते थे भले ही वो उस सेने में था, सेना में काम करता था पर उसका दिल और दिमाग उस सेना में नहीं था पर वो बहुत ही भक्ति करता था एंड वोट है और क्या हुआ ही बिकेम द फर्स्ट जेंटाइल टू रिसीव द होली स्पिरिट और वो पहला व्यक्ति बना जो अन्य जाति में से पवित्र आत्मा को उसने प्राप्त किया सो हियर वी सी वेन वी रिलाई ऑन गॉड एंड कंटिन्यूसली टू डू गुड वी विल नॉट ओनली ग्रो इन फेथ बट वी विल सी manifestation ऑफ द होली स्पिरिट इन our लाइफ Amen. जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे और हमेशा अच्छा ही करेंगे तो हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है एंड नॉट ओनली दैट ही विल वर्क इन अस अस एंड थ्रू टू अदर पीपल और इतना ही नहीं पवित्र आत्मा हम में और हमारे द्वारा दूसरों में भी काम करेगा जस्ट ट्राई दिसकू गो इन स्कूल और एनी प्लेस कंटिन्यूसली रिलाई ऑन गॉड

Let's see the fourth verse. आइए देखते हैं चौथा वचन। यहुवा को सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. यहुवा को अपने सुख का मूल जान और तेरे मनोरथों को वो पूरा करेगा। Delight means to take pleasure or to enjoy. डिलाइट का अर्थ है कि खुश होना और उसमें आनंद भी पाना टूडे एवरीबडी वेर एवर यू गो यूल सी पीपल सींग व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम और मीडिया दिस इज ऑल दैट यूल सी एवरी वे है आप जहां कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे कि लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं व्हाट्सएप देख रहे हैं फेसबुक देख रहे हैं यही आप देख सकते हैं हर जगह दे आर टेकिंग प्लेजर इन दैट उसमें वो आनंद उठा रहे हैं एंड इफ यू सी मेनी पीपल आर गेटिंग सिक आल्सो दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट हैविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और आप देखेंगे कि इसके वजह से वो बीमार हो रहे हैं स्ट्रेस आ रहा है यानी कि अकेलापन लग रहा है और बहुत सारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो इसी वजह से आता है एंड इफ स्लीप और आप ध्यान से देखेंगे तो इन लोगों को अच्छी नींद भी नहीं होती है so अगर आप उनको पूछेंगे ना कि क्यों आपको इतनी नींद कम हो रही है it is not only because of the long hours of work but it is the addiction to this mobile sirf lambe samay tak kaam karne ki wajah se nahi par ye jo buri aadat lagi hai na mobile dekhne ki iske wajah se in the previous days people everywhere used to watch cricket matches और पहले जमाने में ना ना लोग हमेशा क्रिकेट के मैच को देखते थे एंड वेन एवर यूज टू बीट एनी बडी देर बी ऑलवेज टॉकिंग और कभी भी किसी भी लोगों से बात करेंगे ना तो वो हमेशा क्रिकेट मैच के बारे में इमोशन वो ये सारी चीजें ये सारी बातें क्या कर रहे हैं सिर्फ आपके मनोव्यक्ति से खेल रहे हैं वेदर इट इज क्रिकेट न्यूज फिल्म दे ओनली प्ले विथ योर इमोशंस चाहे वो क्रिकेट हो न्यूज हो या पिक्चर देखना हो ये सब आपके मनोस्थिति के साथ ही खेल रहे हैं बट इफ डिलाइट इन द लॉर्ड लेकिन यदि आप परमेश्वर में आनंद उसके सिंगिंग टू हिम सिंगिंग टू हिम हाँ उसको उसके और देखकर हम गीत गाएं, इन वर्शिपिंग हिम उसके आराधना करें एंड मेडिटेटिंग ऑन हिस वर्ड और उसके वचनों पर हम ध्यान करें

to delight in the sabbath और हमें इसलिए भी बुलाया गया है कि हम उस विश्राम दिन पर भी आनंद मनाएं इफ यू सी विद मी इन आई 58, 13 फिफ्टी एट एंड फोटीन अगर हम यशाया का अट्ठावन तेरह और चौदह वचन देखेंगे इफ़ यू कीप योर फीट फ्रॉम ब्रेकिंग द दबत एंड फ्रॉम डूइंग एज यू प्लीज ऑन माई होली डे इफ़ यू कॉल द दबाइट एंड द लॉर्ड्स होली डे ऑनरेबल

दिन और यहुवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन पर अपने मार्ग पर न चले और अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातों में न बोले तो तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा मैं तेरे मूल पुरुष या खूब के भाग की उपज में से तुझे सिखलाऊंगा क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है डीलर एक विश्वासी था जो कार डीलर मतलब कार बेचता था ओ ओके जो कार बेचता था हिज इज बिजनेस वाज़ डूइंग ओके ओके उसका व्यवसाय अच्छा अच्छा चल रहा था नहीं ठीक ठीक चल, चल रहा था सो ही थॉट लेट मी ओपन माय डीलरशिप ऑन संडे आल्सो मेनी मोर पीपल विल कम एंड माय बिजनेस विल प्रोस्पर मोर तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मेरा व्यवसाय में रविवार के दिन भी खोल दूं ताकि ज्यादा लोग आएंगे और मेरा व्यवसाय अच्छा होगा बट वन डे ही फेल्ड वेरी इल पर एक एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत बीमार हो गया एंड ही कुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड और वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था एंड ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड और वो परमेश्वर को पुकार रहा था द लॉर्ड कनविक्टेड हिम अबाउट गोइंग टू द चर्च ऑन संडेज उसको बताया कि उसे रविवार के दिन कलीसिया आना है और बाकी विश्वासों के साथ मेल मिलाप करना है उसने माफी मांगी परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी his business. और आज वो हर रविवार को कलीसिया आता है अपने भाई बहनों के साथ मेल मिलाप करता है और उसका व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा है यस इफ यू डिलाइट इन द लॉर्ड एंड स्पेंड योर इन वर्शिप विद द लॉर्ड अगर आप परमेश्वर में आनंद पाएंगे और हर रविवार को परमेश्वर की आराधना करेंगे वो ऐसा करेगा कि आप उस ऊंचे स्थान पर आपको लेकर जाएगा और याकूब के उस मेज पर आपको वो खिलाएगा। खिलाएगाट इज दिटेंसब क्या आप जानते हो वो विरासत क्या है जो याकूब का है इट इज the अदर the of ऑफ गॉड एंड लिविंग waters यू टेक वो और कुछ नहीं है पर वो परमेश्वर का वचन है और वो जीवित जल है

आइए देखते हैं भजन संहिता का 37 वचन पांच और अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रखो वही पूरा करेगा वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाली के समान प्रकट करेगा कमिट योर वे टू द लॉर्ड ट्रस्ट इन हेम एंड डू दिस मेक योर राइचियसनेस शाइन लाइक द डॉन द जस्टिस ऑफ योर कॉज लाइक द नोन डे सन अपने मार्ग की चिंता युवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा लॉर्ड कमिट का अर्थ है आपके जो मार्ग है ना उसको परमेश्वर को पूरी तरह दे देना एंड देन एज यू रिलाई ऑन Him एंड ऑन His फेथफुलनेस इन योर लाइफ और जब इस प्रकार करने से जब आप उस पर भरोसा रखेंगे योर राइचियसनेस विल शाइन फोर्थ बिकॉज the lord will vindicate you from your situation आपकी जो धार्मिकता है ना वो चमक उठेगी what is vindicate meaning vindicate का अर्थ क्या है it is the action of god clearing your name from all blame ये वो कार्य है जहां पर भी आप पर दोष लगाया गया होगा वो सारी चीजों को परमेश्वर मिटा देगा and that is why in micah 79 the latter part and the first part of the 10 he says surely the lord pleads my 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 case and 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 establishes my right, he will 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 bring me out into the light and I see see his righteousness. Then my enemy will see it and be covered with shame. She who said to me, where is the Lord? उस समय वह मुझे उज्याल में से ले आएगा अब मैं उसको धर्म और मैं उसका धर्म देखूंगा तब मेरे बहरीन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर यह हुआ कहाँ रहा वह भी तुझे उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढापेगी मैं अपनी आँखों से उसे देखूंगा

Uh, करोड़ों के रुपए का लोन पेपर जो है वो कहाँ चला गया है ऐसे उसने उससे पूछा बट द बिलीवर डिड नॉट फ्रेट और बी एंग्री विथ हिस्स बॉस पर वो विश्वासु व्यक्ति चिंतित भी नहीं हुआ और ना ही अपने मैनेजर पर गुस्सा हुआ ही कमिटेड हिस्स प्रॉब्लम टू द लॉर्ड उसने अपनी इस समस्या को परमेश्वर को दे दिया एंड द लॉर्ड नेवर लेट हिम डाउन और परमेश्वर ने उसे कभी झुकने न दिया

और वो हमें अपने कलीग जो हमारे साथ काम करते हैं उनसे भी ऊंचा हमें उठाएगा ब्रिंग यू टू अ प्लेस ऑफ ऑनर और इस जगह पर ले जाएगा जहां आपका आदर होगा ओनली बिफोर यू हैव टू टू कमिट योर वे द लॉर्ड एंड ट्रस्ट हिम पर इससे पहले आपको अपने मार्गों को परमेश्वर को देना है और उस पर भरोसा रखना है इन 2 किंग्स 18 एंड 19 चैप्टर देयर देयर वाज अ किंग ऑफ असीरिया दो राजा में अठारह और उन्नीस अध्याय में एक ऐसा राजा था जो असीरिया का राजा था। his name was सेना उसका नाम सेना to capture टू कैप्चर जेरोसलम को हड़पना चाहता था and take it into captivity। और उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था so what did he do? He his messengers. He was a very powerful किंग वो बहुत ही सामर्थ्य राजा था और उसने क्या किया उसने अपने आ, जो मैसेंजर्स है जो संदेश ले जाते हैं उनको वहाँ पर भेजा एंड एट दैट किंग उस समय जेरूसलम का राजा जो था वो आ, राजा हेजिकिया था एंड इन दैट लेटर विच ही और जो uh, संदेश उसने भेजा था राजा हेज़ेकिया के लिए उस पत्र में उसने ऐसा लिखा सेनाचरब सेड व्हाई डू यू डिपेंड ऑन योर गॉड उसने ऐसा लिखा उस पत्र में राजा हेजेकिया को कि तू तेरे परमेश्वर पर क्यों निर्भर करता है एंड बी डीसीव्ड एंड बी डीसीव्ड हाँ, और क्यों तू फसता है आई हैव कॉन्करड सो मेनी लैंड्स ही गिव अ बिग लिस्ट ऑफ द लैंड्स ही और उस सेनाकरीब राजा ने वहां पे इतने सारे सारे नंबर्स में लिख दिया कि कि उसने कितने सारे राज्य को को जीते हैं, देश को जीता है। है और तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर उनको कोई किसी की भी मदद ना कर सका। तो तू कैसे विश्वास करता है कि तेरा परमेश्वर तेरी uh, रक्षा करेगा But did not fret. पर हेज़ेकिया uh, राजा बिल्कुल चिंतित न हुआ

पर परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है डिलीवर अस फ्रॉम दिस टायरेंट इस राजा से हमारा छुटकारा कर प्रभु देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू द प्रोफिट Isaiah was the prophet at that time उस समय यशाया भविष्यवक्ता था और परमेश्वर का वचन उस भविष्यवक्ता को आया एंड ही वेंट एंड टोल्ड Ezekiel और वो जाकर राजा हेज़ेकिया को बताता है द लॉर्ड हैज हर्ड योर प्रेयर परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली He has told you to go and tell this king Senakarib. उसने तुमसे कहा है कि जाकर उस राजा सेनाकरीब को बता दे। The virgin daughter of Zion despises and mocks you. हाँ, Zion की बेटी despises and mocks you. वो तुम तुम्हें दिक्कारती है और तुच्छे जानती है। The daughter of Jerusalem tosses her head as you flee. और जेरुसलेम की बेटी तुझे टॉसेस अपना सर हिलात अपना सर उसकी ओर करती है दूसरी ओर करती है आई विल पुट माय हुक इन योर नोस हुक हुका मैं अपना हुक तेरे नाक पे डाल दूंगा एंड माय बिट इन योर माउथ और

और जब सेना करीब अपने मंदिर में आराधना कर रहा था He was by his own sons. उसका मृत्यु उसे मार मार डाला डाला। गया, उसके खुद के बेटे ने उसको अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने क्या किया उसने अपनी समस्या को परमेश्वर को दे दिया He trusted the Lord. उसने उसके लिए कार्य किया

कभी कभी हमें रुकना पड़ता है परमेश्वर से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आने के लिए बट एज वी वेट द लॉर्ड विल रिन्यू आर स्ट्रेंथ सो दैट वी विल रन एंड नॉट नॉट गेट गेट वियरी वी विल वॉक एंड जब पर जब हम परमेश्वर पर रुके रहते हैं ना अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए उस समय परमेश्वर हमें नया बल देता है ताकि हम दौड़ेंगे पर हम थकेंगे नहीं हम चलेंगे और श्रमित ना होंगे ना ही हम चक्कर आकर नीचे गिरेंगे

मधु का आनंद लिया कान देश में वी एंजॉय टूडे द लॉर्ड आज हम आनंद उठा रहे हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह का वी एंजॉय द लव ऑफ द फादर हम आनंद उठा रहे हैं परमेश्वर के उस प्यार का वी एंजॉय द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट हम आनंद उठा रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ जो मेल मिलाप है उसका दैट इज आवर इनहेरिटेंस नॉट ओनली हियर बट इन हेवन टू ये हमारी विरासत है सिर्फ यहाँ पर नहीं पर स्वर्ग में भी इन Psalm 37 18 एंड 19 यहोवा खरे लोगों की आयु को

नियति जो है वो ऑलरेडी परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखा रखा है What has been written about our destiny? हमारे भविष्य यानी कि नियति के बारे में क्या लिखा रखा है इट इज सेन टू प्रोजेस द प्रोमिस्ड लैंड ये वही बात है जब इसराइली लोग वो पर जो परमेश्वर ने उनको वाचा दी थी वो जमीन जब वो प्राप्त करने आए थे तब दैट वी वुस्ड इन दंट्री एंड इन दिटी हम आशीषित रहेंगे उस देश में और उस शहर में इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हम आशीषित रहेंगे the fruit of our womb would be blessed. That means our children would be blessed। यानी हमारे बच्चे भी आशीषित रहेंगे the crops of our field would be blessed. Meaning that our wherever we बी ब्लेस्ड be blessed हमारे खेती की जो धान्य है अनाज है वो भी आशीषित रहेंगे इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं वो जगह भी आशीषित होगा प्रोविजन इन आर हाउस हमारे घर में बहुत सारा प्रयोजन होगा परमेश्वर का ब्लेड वी कम इन टू हाउस। एंड ब्लेड वेन वी गो आउट दैट मीन्स वेर वी गो दरोम आशीषित है वो जब हम आते हैं और आशीषित हैं हम जब हम जाते हैं इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर के यानी यशु मसीह के उस सुगंध को फैलाएंगे The enemies who would rise up against us would be defeated before our own eyes. जो शत्रु हमारे विरुद्ध उठेंगे वो हमारी आँखों के सामने नष्ट हो जाएंगे. Those people who wanted to harm us would be defeated in their actions. जो जो शत्रु हमारी हानि चाहता था वो खुद हार जाएगा हम जिस चीज में भी हाथ डालते हैं उसमें परमेश्वर आशीष लेकर आएगा इट मींस दैट वेयर एवर वी वांट टू गो और व्हिच एवर ऑफिस वी वर्क टू वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर मेकिंग

परमेश्वर अपने स्वर्ग के फाटक को खोल देगा और वो आशीष के चीजों को हम पर बरसाएगा यानी कि हम जो भी करेंगे हमें परमेश्वर सफल बनाएगा द लॉर्ड विल मेक अस अ लेंडर एंड नेवर अ बरोअर परमेश्वर हमें देने वाला बनाएगा लेने वाला नहीं द लॉर्ड विल मेक अस द हेड एंड नेवर द टेल परमेश्वर हमें सर बनाएगा पूंछ नहीं

He delights in every detail of our life. वो बहुत खुश होता है हमारे हर एक छोटी-छोटी बातों पर. Though we stumble, he will, we will never fall because the Lord holds us up. हम लड़खड़ाएंगे जरूर पर हम गिरेंगे नहीं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें थामे रखता है. Amen. David also was such a man. दाऊद राजा भी ऐसा ही व्यक्ति था. Whose steps were directed by the Lord. जिसके मार्गों को परमेश्वर ने चलाया था. You can see he was a shepherd. आप देख सकते हो वो कि वो एक चरवाहा था बट इवन दो ही वाज अ शेपर ही हैड ग्रेट लव फॉर द लॉर्ड एंड ही यूज्ड टू प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड भले ही वो चरवाहा था पर वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर के गुण गाता था द लॉर्ड Taught him how to fight with the lion and the bear also परमेश्वर ने उसे सिखाया किस तरह सिंह से और भालू से लड़ना है एंड यूजिंग दोस स्ट्रेटजीज ही किल्ड गोलियत

वो दुष्ट आत्मा निकल कर बाहर जाता था एंड नेक्स्ट ही बिकेम अ किंग एंड ही रूल्ड ओवर यूनाइटेड इजराइल और फिर दाऊद एक राजा बना और इसराइली पर उसने राज्य किया एंड 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 ही डिफीटेड द जेबुसाइट्स ओवर टिल टुडे इट इज नोन एज द सिटी ऑफ डेविड और फिर उसने जेबू जो लोग हैं, उन पर विजय प्राप्त किया और जेरूसलम पर राज किया और आज भी जेरूसलम को दाऊद राजा का शहर कहा जाता है so तो आप देख सकते हैं किस प्रकार राजा दाऊद के हर एक रास्ते को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया इन द सेम वे द लॉर्ड डायरेक्ट्स ईच ऑफ आवर स्टेप्स और इसी प्रकार परमेश्वर हमारे भी मार्गों को वो चलाता है वो हमारे हर एक बातों पर आनंद करता है Whether it be small things or the big things. भले वो छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो We might fall, but when we repent, the Lord will hold us and lead us. Hmm. हम भले ही गिर सकते हैं पर जब हम पश्चाताप करते हैं माफी मांगते हैं तो फिर से परमेश्वर हमें उसके हाथों से उठाता है Let's see Psalm 37, 28, 29. क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा उनकी तो रक्षा उनकी तो रक्षा सदा होती है परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे for the lord loves the just and will not forsake his faithful ones they will be protected forever but the offspring of the wicked will be cut off the righteous will inherit the land and dwell in it forever the lord loves the just

वो बहुत ही ईमानदार था इसलिए पॉलस उसे ऐसे पुकारता था कि सन ऑफ फेथ विश्वास का बेटा यू नो वे दिस सिंसेरिटी केम फ्रॉम आप जानते हो कि ये ईमानदारी कहाँ से आई तिमती का तिमोती का ईमानदारी कहाँ से आई His father, uh, his, uh, his grandmother had sincere faith in the Lord. उसकी जो नानी थी वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती थी. And she taught the faith to the mother. और उसने अपनी बेटी को ये वच, yeah. yeah. तिमोथी को इस विश्वास के बारे में सिखाया And that is how Timothy came into the faith. और इस प्रकार तिमोथी विश्वास में आया बिकॉज ऑफ द फेथ ऑफ वन पर्सन इन द फैमिली वाज अ जनरेशनल ब्लेसिंग इन फैमिली एक व्यक्ति के विश्वास करने से उस पूरे घराने में कि उस पूरे पीढ़ी में आशीष आया दिस इज ब्लेसिंग यू एंड आई कैरी एज वी फॉलो द लॉड अवर दिस ब्लेसिंग गोज टू अवर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन यही पीढ़ियों का आशीष हम भी लेकर चलते हैं जो हमारे पीढ़ी पीढ़ी को प्राप्त होगा ड्रग hmm. एडिक्ट uh,

कोमा में गया कोमा में चला गया वो यानी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है एंड देन ही वाज़ टेकन टू द हॉस्पिटल फिर उसे अस्पताल लेकर गए व्हेन ही वाज़ इन द कोमा जब वो कोमा में था ही सॉ द विजन ऑफ द लॉर्ड उसने दर्शन देखा परमेश्वर का एंड हिज नेल पीर्स्ड हैंड्स और उसके हाथ परमेश्वर के हाथ जिसमें कीले ठोके गए थे एंड द लॉर्ड टोल्ड हिम दैट ही लव्स हिम एंड ही डाइड फॉर हिम और परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और तेरे लिए मैं उस क्रूस पर मरा दिस बॉय केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल अ रिफॉर्मड मैन और जब ये अस्पताल से ये व्यक्ति बाहर आया तो वो एक नया व्यक्ति था यू नो व्हाई द लॉर्ड अपीयर टू हिम आप जानते हो क्यों परमेश्वर उसको दर्शन में दिखाई दिया बिकॉज़ ही हैड अ प्रेइंग मदर क्योंकि उसके एक प्रार्थना करने वाली माता थी आमेन

था जिसका नाम था अर्थ क्विक कैरी वो कभी इस बातों को सुनता नहीं था और वो कभी ध्यान नहीं देता था एंड वन डे बिकॉज एन ओवर डोजेम कोमैटोज एंड ही सॉ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड टोल्ड यू आर फिट टू गो टू हेल्थ और ऐसा हुआ कि ज्यादा ओवरडोज होने के वजह से वो चक्कर आकर गिर, गिर कर उसने ऐसा दर्शन देखा कि तू तो नरक में जाने के योग्य है आज वो इतना बदला हुआ इंसान है आज वो एक परमेश्वर का वक्ता है और आप नेट में भी देख सकते हैं उसका नाम अर्थ क्विक है, Kelly, Kelly. कैरी, कैरी है। The Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. They are preserved forever. Amen. Parameshwar, who is a just person, is always with him and will never leave him. He will always be trustworthy. That is why the Lord says in Exodus, the Lord shows his love to a thousand generations of those who love him and follow his commandments. That is why Parameshwar in Nirgamand says that he is our Parameshwar and he will never leave us.

बिकॉज द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इज फोलिशनेस टू द लॉर्ड क्योंकि जो दुनिया की बुद्धि है ना वो परमेश्वर के लिए मूर्खता है Neither are we saved by our strength. ना ही हमारे बल की वजह से हमारा उद्धार हुआ है. For it says in Psalm 33:16 and 17, no king is saved by the size of his army, no warrior by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance, despite his all his strength, it cannot save. कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायता के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है वी आर सेव्ड ओनली बाय द लॉर्ड एंड वी आर हम सिर्फ परमेश्वर के वजह से बचे हुए हैं एंड वी आर सेव्ड बाय हिज वर्ड

बट इट Word नॉट फॉल इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधिया चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी इसलिए आइए हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर रखते हैं आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे जीवन की नींव आपके वचन पर बना सके प्रभु एवरी क्योंकि जब कभी ऊपर और नीचे होता है हमारे जीवन अंत होता है जब अंत होता है uh, our house will always stand. हमारा घर हमेशा खड़ा रहेगा हर एक तूफानों में और तकलीफों में इस जीवन के कंटिन्यू टू ट्रस्ट यू हम आप पर ही भरोसा रखेंगे परमेश्वर कंटिन्यूअली गुड हमेशा अच्छा ही करेंगे हम you, Lord, हमारे मार्गों को आपको देते हैं परमेश्वर क्योंकि हम जानते हैं कि आप में हमारा बहुत ही महान भविष्य है ये शु मसीह के नाम से मांगते हैं अमेन